जहां अनियंत्रित होकर रोडवेज बस बिजली के पोल से टकराई है। स्टीयरिंग फेल होने से बिजली के पोल से टकराई बस, बिजली के तार टूटकर रोडवेज बस पर गिरे, तीन पोल भी टूटे हैं। बस में 25 से ज्यादा यात्री मौजूद थे। डौकी थाना क्षेत्र में टंकी चौराहे पर यह हादसा हुआ है। तो बिजली का तार टूटकर बस पर गिरा, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेकाबू रोडवेज बस बिजली के पोल से टकरा गई, स्टीयरिंग फेल होने की वजह से ये दुर्घटना हुई। तस्वीरें आप देखिए, बस की स्थिति देखकर आपको अंदाजा होगा कितना बड़ा यह हादसा हुआ है। कई पोल एक साथ टूटे हैं, तीन पोल भी इस बस की वजह से टूट गए, क्योंकि तेज रफ्तार से बस आ रही थी, स्टीयरिंग फेल हो चुका था। मनोज चाहर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, कैसे हादसा हुआ है, किस बस की घटना है? मन्ना, बता दूं कि तेज रफ्तार में एक रोडवेज बस जो दिल्ली से आ रही थी वो बढ़ावट डिपो की तरफ जा रही थी, तो वहीं अचानक स्टीयरिंग फेल हो गया। उसमें बस में 25 सवारियां मौजूद थी और स्टीयरिंग फेल होने के साथ ही ड्राइवर उसको कंट्रोल करता है, उससे पहले वो जो बिजली के खंभे जो रोड के किनारे लगे हुए थे उनको तोड़ते हुए उनमें घुस जाती है और अनियंत्रित होकर उनको तोड़ देती है। गनीमत यह रही कि उस समय उस दरमियान जो बिजली के तारों में करंट नहीं दौड़ रहा था, और करंट और जो अलग जो लाइट आ रही थी वो कट कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से रोडवेज की जो बसें खस्ता हालत में दौड़ रही हैं, उनको चेकिंग नहीं किया जाता, ना ही उनको टेस्टिंग की जाती है, उसके बावजूद भी वो सड़कों पर जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सवारियों के लिए काल बनकर वो सड़क पर दौड़ रही है। तो देखा जा रहा है कि जो आगरा के जो फतेहाबाद रोड है, ये टंकी चौराहे का ये पूरा मामला है, यहाँ पर रोडवेज की जो बस थी उसमें 25 सवारियां मौजूद थी। गनीमत ये रही कि सवारियों को चोट नहीं आई। हालत सब देखते हैं, क्योंकि कई बार खस्ता हाल में भी रोडवेज बसों को सड़कों पर दौड़ाया जाता है। इसमें ड्राइवर का क्या कहना है, कब स्टीयरिंग फेल हुआ, क्या पहले से कोई टेक्निकल फॉल्ट था बस में? देखिए, ड्राइवर का ये साफ तौर पर कहना है कि ये टेक्निकल फॉल्ट था, इस वजह से ये अचानक ये हुआ। पहले जो दिल्ली से जब वो सवारियां लेकर आया था, बदावर डिपो के लिए आगरा के लिए आ रहा था, उस समय उसने चेक किया था, लेकिन चेक के बाद जब ये ठीक ठाक नजर आया, उसके बाद वो दौड़ाकर आगरा तक आया, और आगरा के बाद जैसे ही वो फतेहाबाद के टंकी चौराहे पर पहुंचता है डौकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत, तो जब अकस्मात उसका स्टीयरिंग फेल हो जाता है तो वो ब्रेक लगाने के पूरी कोशिश करता है, तो सामने और भी वाहन चल रहे थे, तो उन्होंने अनियंत्रित उसको कंट्रोल करने के लिए वो जो आस पास टेढ़ी करके और राइट साइड में ले जाता है, उस दरमियान जो बिजली के खंभे थे उन पर हाल लगाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई, लेकिन सूझबूझ के साथ यह भी एक बड़ा हादसा था कि जिस तरीके से जो बिजली के खंभे थे उनमें टकराया, अगर गनीमत उसमें करंट होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मनोज, कितने लोग इस बस में मौजूद थे जिस दौरान यह हादसा हुआ, कहीं किसी को चोट तो नहीं आई है? देखिए, इसमें 25 सवारियां थी, जैसे ही जो बस की स्टीयरिंग फेल हुई तो लगातार उनकी चीख पुकार मच जाती है, तो आसपास के जो राहगीर थे और आसपास के जो बासिंदे थे वो दौड़ लगा देते हैं, और जिस तरीके से खम्भा तीन खम्भों को बिजली के खम्भों को तोड़ते हुए बस आती है, तो तत्काल आनन फानन में जो बिजली विभाग के जो जेई हैं उनको सूचना दे दी जाती है, और जो तार जो बिजली है उसको कट करा दिया जाता है। उसके दरमियान दूसरी जब रोडवेज बस आती है उनको सही सलामत जो राहगीर है और स्थानीय लोगों द्वारा उनको निकालकर दूसरी रोडवेज बस में अपने गंतव्य तक भेजा जाता है। लेकिन जिस तरीके से परिवहन विभाग की जो लापरवाही देखी जा रही है, तो जिस तरीके से आगे पहले भी आगरा में एक जो बस का जो पैरदान होता है वो भी टूट कर चलती बस से गिर गया था, तो अब दोबारा से ये घटना घटित हुई है, कहीं ना कहीं रोडवेज पर ये बड़े सवाल खड़े करता है। परिवहन परिक्षेत्र के जो जो RM है वो लगातार ये देखते आ रहे हैं कि जिस तरीके से बसों की खस्ता हालत है और सड़ी और गली हुई बसें जो सड़क पर दौड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवारियों के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि किराया पूरा लेते हैं, उसके बावजूद भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी परिवहन विभाग की है, लेकिन ये साफ तौर पर देखी जा रही है कि बिल्कुल मनोज लापरवाही तो रही है, क्योंकि बस स्टार्ट करने से पहले ही चेक करना चाहिए कि उसमें कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। गनीमत रही कि हादसा टल गया। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनोज।